कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरे पास लिन का कपड़ा है और ये देखिए कितना लचीला है। आपको पता है वेलवेट के सूट के बारे में कि वो कितना लचीला होता है। अब मैं इसमें जो है नेक बनाऊंगी और बिना ही बुकरम से किस तरह से बनाऊंगी वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको जो डबल कर दिया है, अब जितना आपने जो गला बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो आप नीचे को लेंथ ले सकते हैं। मैंने इसमें जो है कम से कम 7 इंच गला बनाना है। जो तैयार जो मेरे पास 7.5 खुद ही आ जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच जो इसमें सिलाई जाएगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ से मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में लिया हुआ है और यहाँ से मैंने कम से कम 4.5 इंच नीचे को मेज़रमेंट लेना है इसका, इस तरह से। और यहाँ से बिल्कुल इसमें जो है वी की शेप डालनी है, इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह का इसके मार्क लगा दिया। मैं इसमें इसकी कटिंग कर दूंगी। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। इस तरह का हमने इसमें नेक का डिज़ाइन काट लिया है। अब इसके ऊपर जो हम कपड़ा रखेंगे कॉटन का, ये हमारी सीधी साइड है और इसके ऊपर हम इस तरह से कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसमें पलटी मारेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से जो इसमें सिलाई डाल देंगे। ओके, इस तरह से इसमें हमने स्टिचिंग कर दी है। अब हम अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और बाहर में भी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी भी कटिंग कर देंगे। कॉटन का कपड़ा सिलीन के कपड़े में, वेलवेट के कपड़े में लगाने से क्या होगा, इससे जो है हमारा जो बिल्कुल भी लचीला गला नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट सही बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ से भी कटिंग कर दी है मैंने। अब इसमें जो है हमने हल्के हल्के कट लगाने चारों तरफ से, और इसके ऊपर से यहाँ से भी एक और सिलाई जो है इसके ऊपर से यहाँ से डालनी है, जो हमारा कॉटन का कपड़ा है उसके ऊपर से इस तरह से इसमें सिलाई डालनी है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर से भी हमने सिलाई डाल दी है। अब हम बैक के पार्ट की भी कटिंग कर देते हैं। बैक के पार्ट की भी हमने इसमें हल्की सी कटिंग करनी है, क्योंकि सिलीन का कपड़ा है तो इसमें जो है लचीला होता है, तो ज़्यादा डीप नहीं रखना है, ये डेली यूज़ के लिए है। इसमें अब हमने किस तरह से कॉटन का ही कपड़ा लगाना है, इस तरह से रेबदार कपड़ा लेना है कॉटन का, और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर से जो है इसमें सिलाई डालनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर से भी सिलाई डाल दी है हमने, और बिल्कुल कम कपड़ा रखा हुआ इसमें फोल्ड के लिए। अब इसके ऊपर से कॉटन के ऊपर से जो है हम इसमें हल्की हल्की एक और सिलाई डालेंगे, इससे हमारी परफेक्शन बिल्कुल सही आएगी। इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई डालने के बाद आप देख सकते हैं अपने आप ही अंदर को बिल्कुल परफेक्टली कपड़ा चला जाएगा, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर जो है स्टिच करना है। तो किस तरह से शोल्डर स्टिच करना है, दोनों साइडों को सीधी लेना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसमें कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ कर ध्यान से देखिएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से इसको फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का कपड़ा इसका वेलवेट का दिख रहा है और कॉटन का बिल्कुल अंदर चला गया है। यहाँ से 1/2 इंच इसको अंदर को करना है फोल्ड, और जहाँ से ये देखिए यहाँ से भी हमने 1/2 इंच वेलवेट का थोड़ा सा इस तरह से लेकर इसके ऊपर से जो हमने इसमें डबल सिलाई डालनी है। ओके, आप देख सकते हैं एक शोल्डर हमें बिल्कुल परफेक्टली स्टिच कर दिया है। जब आप इसमें पलटी मारेंगे इस तरह से तो ये देखिए कपड़ा बिल्कुल अंदर को है, हल्का हल्का आप देख रहे हैं वेलवेट का दिख रहा है, और बाहर को ये देखिए जो हमारी फिनिशिंग है बिल्कुल परफेक्टली आई है। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसमें इसको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल कॉटन के कपड़े को अच्छे से आपस में मिलाया है हमने, और यहाँ से इस साइड जो हमने इसको पहले इस तरह से फोल्ड किया है ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा हमने वेलवेट का अंदर को लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से जो है डबल सिलाई डालनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर दिए हैं। तो आप इस तरह से अब जब आप इसमें तुरपाई करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो है आपका गला ईजिली देखिए ना ही कहीं से ये हमारा लचीला है, और ये देखिए इसकी परफेक्शन बिल्कुल सही है लुक भी, और इसमें कोई कॉटन का कपड़ा भी नहीं दिख रहा है बिना ये देखिए बिना अभी तुरपाई के भी बिल्कुल सही तरीके से ऐड हुआ है, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा है। बिना बुकरम से भी आप इजीली जो अच्छा गला बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको इससे भी और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। थैंक यू।